आज सभी को मालूम है कि हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज आगे मुख ले रहे हैं, ये जो आयता होगी इनको मान लो कही हुआ आज समाप्त तो है तो क्यों है 10 मिनट का समय और आता लगेगा 10 मिनट का समय हमारे बीच आज जो गरिमा में उपस्थिति दे रहे हैं स्वामी शिवानंद हायर सेकेंडरी स्कूल से परम आचार्य गुलाम अहमद जी उसे हम अनुरोध करेंगे कि अपना संक्षिप्त संबोधन देते हुए आज के इस कार्यक्रम के संबंध में अपना मार्गदर्शन देने का प्रश्न है। आदरणीय मैं यही सामने आ रही हूँ, सामने आ रहेगा तो ठीक रहेगा। नहीं नहीं बच्चे परेशान है, लेकिन ये हम बता रहे 15 अगस्त की पूर्व तैयारी है, 15 अगस्त को तो रोजे तक रहना हो। बहुत बहुत धन्यवाद में प्रभारी जी हैं हमारे सरोजी दादा जी प्रधानाचार्य जी और उनके पिता जी भी बैठे हैं यहाँ, उनके लिए भी पानिया और हमारा पूरा प्रेरणा ने आज प्रोग्राम किया है। बहुत अच्छा हुआ है ये 75वां अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं। ये चलेगा 11 तक, यानी आज से ही मान लीजिए आप 15 अगस्त तक रखना है। और ये तिरंगा जो है हर घर में फहराना है हम लोगों को, और उसके साथ साथ आज तुम लोगों को बहुत मेहनत करी है, धूम में बैठे हैं, बहुत धन्यवाद के पास रहे आपको, बहुत बड़ा योगदान है कि सहयोग कर रहे हैं। अगर दूसरी एक बात हम एक एक्सपीरियंस की बात अपनी बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी व्यक्ति की या बच्चों की एक्सरसाइज, अगर हम मोटरसाइकिल नहीं चलते हैं तो धीरे धीरे करके सीख लेते हैं, और उसको सीखने के बाद में हमारे हाथ पर ऑटोमेटिक अपने आप वही काम करने लगते हैं, एकदम सीख जाते हैं। तो जो हमारी पुस्तकें हैं, अगर हम उन पुस्तकों के पास में बने रहेंगे, ज्यादा लगा देंगे, और ये जो मोबाइल है इससे हम दूरी बना लेंगे, तो ये सब में ऑटोमेटिक हम किताबों की तरफ खींचने लगेंगे, तो अपने आप को कुछ बना सकते हैं। सबसे बड़ा अभियान ये है इससे, तो उन पुस्तकों की वजह से हमें ये हथियार प्राप्त हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम कहें।